उसका नाम सीरज कुरूल है। मैं हिफ्ज़ करने यहाँ पे आया हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे इतनी तफरी की हिफ्ज़ करने की। आज हमारा इम्तिहान था, मेरा इम्तिहान बहुत अच्छा हुआ। मुफ्ती साहब ने कहा ज़बरदस्त, आप बहुत अच्छे बच्चे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, शुक्रिया। आप भी सीरज स्कूल में एडमिशन लें। सीरज स्कूल के बच्चों के 2022 आज 7 फरवरी से 9 फरवरी तक सालाना इम्तिहान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। सीरज स्कूल में शोबा तहफीज़ुल कुरान के इम्तिहानात 5 तरह के मज़ामीन होते हैं। उसमें कुरान पाक एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है, इसके 100 नंबर होते हैं। मैं सीरज स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अब्दुल हक है। क्या किसे शक्ल असल इंग्लिश HANZAH शक्ल देगी हमज़ा। और इसके साथ दीनियात, जो पूरा साल बच्चे एक सिलेबस के तहत दुआएं, नमाज, नमाज का तर्जमा और कलमे, जनाजा, अदियम, मासूरा, ये सारी चीज़ें जो सीखते रहते हैं, तो उसका एक मुस्तकिल सब्जेक्ट होता है दीनियात के नाम से। और तीसरी चीज़, इन्हीं दीनियात का प्रैक्टिकल होता है, उसको एक मुस्तकिल सब्जेक्ट की हैसियत हमने दे रखी है। उसके 100 नंबर होते हैं, जिसमें नमाज है तो नमाज का मुकम्मल ढांचा भी बच्चों को सिखाते हैं और प्रैक्टिकल करवा के उनके भी मुस्तकिल नंबर होते हैं। 100 नंबर का प्रैक्टिकल का हमारा बच्चों का इम्तिहान होता है। चौथी चीज़ तरबियत होती है। पांचवी चीज़ जो यहाँ पे होती है जनरल नॉलेज की होती है। पूरा साल बच्चों को एक्टिविटीज़ मिलती रहती हैं मुख्तलिफ सिफात पैदा करने की गरज से, तो उन एक्टिविटीज़ जो मालूमात आमा होती हैं उनका एक जनरल नॉलेज का इम्तिहान होता है, उसके भी 100 नंबर होते हैं। तो यूँ कुल मिला के शोबा तहफीज़ के बच्चों के 500 नंबर का इम्तिहान होता है। कुरान पाक, दीनियात, प्रैक्टिकल, तरबियत और जनरल नॉलेज 500 नंबर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के इम्तिहानात लेने का इत्तेफाक हुआ, बहुत अच्छा बच्चों ने इम्तिहान दिया। मेरा नाम साले है और मेरे स्कूल का नाम सीरत है। और आज मेरा जायजा था, बहुत अच्छा हुआ। मेरे मार्क्स भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। मेरा नाम आर्यन है, मेरे स्कूल का नाम सीरत है और मेरा इम्तहान बहुत अच्छा हुआ। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम नफीस है, मैं सीरत स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा इम्तहान बहुत अच्छा हुआ है। इससे मेरा इत्तमाद भरा है और कुरान मजीद की तलावत की और हम लोगों ने नमाज का तर्जमा सुनाया और हम लोगों ने दुआएँ